आज हम बनाएंगे मूली और गाजर से बहुत ही चटपटे, टेस्टी और कुछ ही मिनटों में बनने वाली अचार की रेसिपी। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इसको हमने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हम गाजर और मूली को छील के और साइड के पार्ट्स उनके निकाल के और धो लिए हैं अच्छे से, और हरी मिर्च कुछ ले लिए हैं, अदरक भी ले लिया है, और चलिए अब इसको काट लेते हैं। मूली और गाजर को फिंगर शेप में कट करना है इस तरीके से। ये अचार बिना धूप के ही बहुत ही आसानी से कुछ ही मिनटों में बनके रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से हम मूली को पहले कट कर लेंगे लंबे लंबे शेप में इस तरीके से। और आइए अब गाजर को भी काट के दिखा देते हैं। गाजर को भी उसी तरह उसी शेप में काट लेना है लंबे लंबे। तो हमने सारे गाजर और मूली को कट कर लिए हैं, देख सकते हैं। और अब आइए हम हरी मिर्च को काट लेते हैं। तो सबसे पहले हाथों में तेल लगा लीजिए, क्योंकि हरी मिर्च थोड़ी तीखी होती है तो हाथ में मिर्च लगे ना इसलिए। और अब हम बीच से फाड़ के इसका चार भाग कर देंगे मिर्च का। और सारी मिर्च को हमने काट लिया है और अदरक को भी हमने लंबे लंबे शेप में काट लिया है। तो आइए अगला पार्ट्स करते हैं, ये देख सकते हैं। और अब हम एक कढ़ाई में एक चम्मच काली सरसों ले लेंगे, एक चम्मच पीली सरसों ले लेंगे, आधा चम्मच मेथी दाना ले लेंगे, और एक चम्मच हम धनिया ले लेंगे साबुत, आधी चम्मच जीरा ले लेंगे, और आधी चम्मच सौंफ ले लेंगे या एक चम्मच भी ले सकते हैं आप। और अब हम इनको लो मीडियम आंच पे भून लेंगे बढ़िया से। इसमें हम कुछ काली मिर्च के दाने डाल देंगे, 10 से 12 काली मिर्च के दाने भी डाल देंगे। और इन सारे मसालों को लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है। तो मसाले हमारे भून गए हैं, ये हमारे मसाले ठंडे हो जाएंगे तो इसका कोर्स पाउडर तैयार कर लेंगे। और अब आइए उसी कढ़ाई में एक कप के बराबर तेल लेते हैं और तेल को बहुत ही ज़्यादा गर्म होने देते हैं। तेल में से स्मोक आने लगे तब हम गैस को ऑफ कर देंगे, और थोड़ा सा तेल ठंडा हो जाए तब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो तेल हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो इसमें हम दो चुटकी हींग डाल देंगे। और अब हम सारे सब्जियों को डाल देंगे इसमें, हरी मिर्च, अदरक, गाजर, मूली सबको डाल देंगे। 2 मिनट तक इसको कम आंच पे भून लेंगे। ये अचार खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बनने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 5 से 10 मिनट इसको हम बस टाइम लेंगे और फटाफट हमारी अचार बनके रेडी हो जाएगी। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक भून लेंगे। और इधर हमारा अचार सारी सब्जियां भून रही हैं, तब तक हम मसाला पीस लेते हैं। तो ये देखिए मसाला भी हमने कोर्स पाउडर तैयार कर लिया है, और अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे, तो एक चम्मच कलौंजी और अजवाइन ले लेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लेंगे, और एक बड़ा चम्मच लाल देगी मिर्च पाउडर ले लेंगे। इससे हमारे जो अचार का कलर है वो बहुत ही बढ़िया आता है। इन सबको मिक्स कर देंगे। इस अचार के मसाले को आप कभी भी 1 साल तक बना के आराम से रख सकते हैं स्टोर करके, और किसी भी चीज़ में बैंगन के भरवा में डाल के बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। या मिर्ची के अचार में भी डाल सकते हैं इसको। और अब इधर सब्जियां भून चुकी हैं, ये देखिए। और अब हम इसमें मसाले डाल देंगे, तो इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच यह हम मसाले डाल देंगे इसमें। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है सबसे, और इसके बाद हम नमक भी डाल देंगे। नमक थोड़ा अचार में ज़्यादा ही पड़ता है,
तो 1.5 चम्मच इसमें हमने नमक डाल दिया था। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। और अब हम मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक और मसालों को अच्छे से भून लेंगे। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, क्रंच इसका बना रहे उतना ही पकाना है। देख सकते हैं कितने अच्छे अचार बन के रेडी हो रहे हैं। इसको आप तुरंत खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ, पराठा पूड़ी के साथ खाइए, बहुत ही मस्त लगता है। और अब हम इसमें 1 चम्मच सिरका या विनेगर डाल देंगे, इससे हमारे जो अचार का शेल्फ है वो बढ़ जाएगा और इसको आप 1 महीना तक स्टोर करके आराम से अचार को खा सकते हैं। विनेगर से थोड़ा सा खटापन भी आ जाता है। तो लीजिए, हमारा अचार मिक्स हो गया है, गैस को ऑफ कर देते हैं। तो ये देखिए, अचार हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो इस सर्दियों में आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। सर्दियों में गाजर मूली के अचार खाने का मजा ही कुछ और है, खाने में 4 चांद लग जाता है, तो देख सकते हैं। और अब अचार थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो अब इसको हम कांच के बर्तन में रख के 1 महीने तक आराम से खा सकते हैं। तो आई होप रेसिपी आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स। ये देखिए कितनी मस्त अचार बन के रेडी हुए हैं। तो अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। और आप भी इस अचार को बना के एंजॉय करिए। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।